आईफोन 11 प्रो मैक्स और एक्सएस मैक्स। इनकी क्या अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस तरह है कि दो तीन दिन से कोई कंटेंट अपलोड नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो आज जो है आपको मोबाइल शॉप या मोबाइल मार्केट का विजिट करवाया जाए। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से हर चीज़ के रेट्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइसेस हाई हुई हैं, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो मैंने सोचा जो आपको जो है ना मोबाइल मार्केट के बारे से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए। मैंने अपना मेरे एक दोस्त हैं अपना कमर भाई, उनकी शॉप है सिटी प्लाजा में भावनगर में। तो मैंने सोचा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार इस तरह व्यूज़ को जो है हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने एग्री भी किया, उनसे बात भी करेंगे, हमने सारा अपनी जो है लोकेशन भी बताएंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे सेल फोन्स के हवाले से कि कौन सी मार्केट कहाँ पे हाई हो रही है, कौन सा मॉडल कितना ज़्यादा हाई हुआ है। जी तो व्यूअर्स, वी आर बैक विद नुमान भाई। नुमान भाई यहाँ पे शॉप अंदर है, ठीक है। तो ये हमें बताएंगे कि मतलब मोबाइल की जो मार्केट है इसमें क्या इन्फ्लेशन है, कितनी ज़्यादा प्राइसेस में हाई है, कौन से मॉडल का रेट ज़्यादा हुआ है, कौन से का कम हुआ है, या कितना ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा कम हुआ है, और सेकंड हैंड मोबाइल्स में क्या मार्जिन होता है, क्या सीन होता है, और अगर किसी ने ऑनलाइन यहाँ से ऑर्डर करना हो, किसी ने कुछ चीज़ लेनी हो, तो वो कैसे कर सकता है, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ओवर टू यू नुमान भाई। जी मैं भाई अस्सलाम वालेकुम व्यूअर को, अस्सलाम वालेकुम। तो आज उमैर भाई आए हैं मेरे पास स्पेशली मोबाइल की प्राइसेस के हवाले से कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल की प्राइस अप डाउन हो रही हैं, तो उसकी क्या रीज़न है मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मेरे पास सिटी प्लाजा बहावल नगर शॉप नंबर 7 कमर मोबाइल कलेक्शन पे आए हैं। तो इनकी बहुत बहुत नवाजिश है भाई की जो आप देख रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो प्राइसेस बढ़ी हैं इसका क्या रीज़न है और आजकल मार्केट में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले ये है कि आपको पता है आजकल मार्केट मार्शत के लिहाज से तो बहुत मंदी जा रही है, डॉलर का रेट कभी कम हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भाई ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो प्राइसेस बढ़ी तो बहुत हैं, तो इसका इफेक्ट तो मार्केट पे आता ही है जब बहुत ज़्यादा डॉलर अप जाता है या डाउन होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो जैसे आपको पता है कि इम्पोर्ट भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बंद रही है, तो जिसकी वजह से बहुत चाइना से माल का बहुत शॉर्टेज था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल प्राइसेस का मार्केट में रुझान बहुत तेज़ हुआ है। अब मार्केट में सुना है कि डॉलर बहुत कम आ गया, तकरीबन 215-20 के करीब आ गया है, तो जिसकी वजह से हर मोबाइल की तकरीबन प्राइसेस भी कम हुई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट टाइम डॉलर की कीमत कम आएगी तो मोबाइल की रेट भी कम ही आएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह मतलब जब भी डॉलर का रेट ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट हमारी मैशियत पे पड़ता है। जी ठीक है, जिस तरह डॉलर ज़्यादा होगा तो मोबाइल के रेट, इवन कि कोई भी चीज़ अकोमोडेशन में है तो उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो कम होगा तो उसी हिसाब से वो वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया। तो बाकी आप ये बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से मोबाइल पड़े हैं, या काइंडली हमें व्यूअर्स को दिखा सकते हैं चाहे हमारे पास। तो मेरे पास सिटी प्लाजा भावल नगर में शॉप नंबर 7 है मेरी, मेरी एप्पल शॉप है। तो मेरे पास एप्पल का हर मॉडल अवेलेबल होता है, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, हुआवे, हर चीज़ के यूज्ड मोबाइल, और न्यू भी हैं। न्यू भी हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं हमारे को बाहर से अगर मंगवाना चाहे तो हम आपको अवेल कर सकते हैं, अवेल मिलेगा। चलें आपका नंबर मैं दे दूंगा जी। तो जो भी भाई ऑनलाइन अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑनलाइन भाई से मंगवा सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनसे। जी शुक्रिया जी। तो काइंडली दिखाएं अपना कोई व्यूअर्स को दिखा दें, एप्पल के मॉडल जो पड़े हैं, वीवो के एक दो दिखा दें। मेरे पास अब जैसे कि मेरे पास यूज में बड़े हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स और एक्सएस मैक्स। तो इनकी क्या अपना स्पेक्स हैं, आईफोन 11 प्रो मैक्स की कितने जीबी है, क्या सीन है, मुझे तो खास ये पीटी अप्रूव्ड है। जी जी, ये 256 GB है, ठीक है। तो 85 बैटरी हेल्थ है इसकी, सही।
ये आपको मुनासिब कीमत में जब आएंगे आपको मिल जाएगा, तो विजिट करके जो भी है, अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट जी। तो गाइस वीडियो अपना उसका रेट मतलब कंडीशन बहुत अच्छी है, वीआईपी है, आप देख सकते हैं। तो इसका बताएं, आईफोन एक्सएस ये एक्सएस मैक्स है जी, ये 64 GB में है, अप्रूव्ड है। नॉन पीडी भी हमारे पास होते हैं, तो ये कंडीशन में 10x10 है, कंप्लीट बॉक्स है, ये भी आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये भी मैं इसको देख रहा हूँ, ये 10x10 ही है। ठीक है, तो और भी दिखाएंगे वीवो में, दिखा देंगे तो आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल है जी। इस वक्त ज़्यादातर मार्केट में Y20 चल रहा है, इसका स्टॉक भी हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है जी गाइस, ये भी बहुत वीआईपी सेट है, फुल बॉक्स ही है, आई थिंक इतना रेयरली यूज्ड है, ज़्यादा यूज नहीं हुआ होगा। ये इंफिनिक्स का 412 प्ले, ये अभी मार्केट में फ्रेश पीस है, न्यू मॉडल है जी, न्यू रिलीज है। तो ये अगर कोई लेना चाहे तो कितने में, कहाँ कितने तक मिल जाएगा फ्रेश? ये आपको मिल जाएगा, अभी मार्केट में रिसेंटली इसकी 30,000 का इनवाइस है। आपको ये 10 दिन यूज में मेरे पास पड़ा है फ्रेश पीस, फुल वारंटी में, ये आपको 25,000 रुपये का मिल जाएगा जी। वेरी गुड, ठीक है। और कोई इसके अलावा मेरे पास वीवो का पुराना मॉडल है, ये भी बहुत मार्केट में ज़्यादा इन है। तो कुछ लोग होते हैं जो कॉस्टली मॉडल अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए छोटी चीज़ें भी पड़ी हैं, तो लेना चाहें तो यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। नॉर्मल मॉडल भी आपको हर किस्म के यहाँ से मिलेंगे। तो गाइस इस तरह है कि आपसे यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, तो आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं। तो गाइस ये हैं नुमान भाई, ये यहाँ पे कुछ परचेजिंग करने आए हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि क्या सीन है। जी नुमान भाई बताएं। जी भाई जान, ये जिला भामलागर सिटी प्लाजा, सिटी प्लाजा दुकान नंबर 7 है, और ये नुमान भाई की दुकान है। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी दुकान है, मतलब इधर बहुत दुकान में सामान भी बहुत अच्छा, मोबाइल भी बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल है। इधर हमारा जो दोस्त वगैरह फैमिली मोबाइल है, मैं तो उनको यही कहता हूँ भाई की दुकान पे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी जिस भाई को मोबाइलों की ज़रूरत हो ना, वो इसी दुकान पर आकर परचेज करो, और इसी मोबाइल पे मतलब देखो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हैं। मैं मतलब कि मोबाइल मुझे इतने अच्छे अच्छे मोबाइल लगते हैं, मैं 2 मंथ में मोबाइल तब्दीली कर रहा हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे मोबाइल लगते हैं और मुनासिब रेट में मिलते हैं इस जगह पर, और मुनासिब से बहुत अच्छे इस मार्केट में जितने भी दुकानें वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे मतलब मोबाइल आते हैं और मार्केट में। तो ये जो हमला है यहाँ पे, मतलब जो लोग होते हैं जो डील करते हैं, उनका रवैया कैसे है? माशाल्लाह बहुत अच्छा रवैया इनका। जाहिर है यहाँ पे ऐसे कस्टमर्स भी तो आते होंगे ना, कि जो मतलब ऐसे दिमाग खराब करने वाले, दिमाग ही नहीं करने वाले, तो क्या बस वो ना आते हैं, मतलब वो ना मजा लेने आते हैं, चस्के मतलब होते हैं, वो दुकान वालों को तंग करने के लिए आते हैं कि दुकान वालों को ये काम करिए, मतलब वो ना किसी मोबाइल को चेक करने का बैल कहते हैं कोई मोल नहीं। हम तो इसी आप लोग इसी वजह से हम दिखाते हैं अगले बंदे को, अगला बंदा बहस करके चला जाता है कि हमने मोबाइल लेना है नहीं लेना, इसी मसले से ना ये मोबाइल वाले दुकानों वालों को ऐसे परेशान करते हैं। और इस मसले से ना मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसी को यहीं पे रोका जाए, और हमें माशाल्लाह इस दुकान पे आओ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, परचेज वगैरह। तो आप रिकमेंड करोगे दूसरों को कि आप यहाँ से? मैं कहूँगा कि ये भाई की दुकान बहुत अच्छी, इधर से मोबाइल है और इससे हर चीज़ की सहूलत मुझे, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत, कहीं और से मंगवाने की जरूरत नहीं, और इस भाई से आगे करें, और मैं तो यार मुनासिब रेट में आप चीज़ों में लेके चलें लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे भाई से आज मोबाइल पसंद करने के लिए आए, और यहीं पर इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया नुमान भाई। कोई बात नहीं, जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग, ये छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको पर वक्त मिलती रहें, और हम एक दूसरे को एक साथ रह के एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करें। जी तो नुमान भाई, और भी आप मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का, आप इस भाई को एक दफ़ा सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ये भाई आए हैं मेरे पास स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपकी सजेशन का नुमान भाई, अल्लाह हाफिज़।